हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे बबली इस ब्यूटीफुल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, 10 दिन पहले जो एम्ब्रेस लिली मेरे हस्बैंड ने रिपोर्ट किए थे, उसका रिजल्ट आपके सामने है। जैसा मैंने आपको कहा भी था कि जब मेरे एम्ब्रेस लिली पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए, लगभग 2 दिन हो गए हैं इनको खिले हुए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो मैं टेरेस पे नहीं आ पाई थी। इसलिए अभी वो लोग गए हैं, काम तो अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा जल्दी से इवनिंग होने से पहले मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इतनी मेहनत एम्ब्रेस लिली के लिए की थी उस दिन मेरे हस्बैंड ने। 2 साल पहले इसको, इनके बल्ब को लगाया था, तो लास्ट ईयर हमने उनको टच भी नहीं किया, तो फ्लावरिंग लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़ी लेट से हुई थी और उसकी जो रूट बाउंड हो गई थी काफ़ी, जो भी ग्रो बैग में लगाए हुए थे। और इस बार हमने इनको ये देखिए पॉट में लगाए हैं, जो ये भी हमने ऑनलाइन मंगाए हैं। लगभग बहुत बड़े हैं ये, साइज़ तो शायद मुझे अभी नहीं पता है इनका कितना होगा, लेकिन बहुत बड़े पॉट हैं ये। और ये देखिए, इसमें कॉस्मोस भी उगाए हैं और कुछ विनिका के भी प्लांट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ एम्ब्रेस लिली के बारे में ये बता रही हूँ कि अभी 10 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने इनको रिपोर्ट किया था, और रिपोर्टिंग ये टाइम का वीडियो भी मैं डालूंगी। और वो मैंने इसीलिए नहीं शेयर किया था कि जब मेरे यहाँ ये ब्लूम हो जाएंगे तो मैं उसके साथ ही उसका वीडियो ऐड करूंगी। तो फ्रेंड, ओनली 10 डेज में ही इसमें बर्ड्स भी आ गए, बर्ड्स तो इसमें 7 डेज के बाद ही आ गए थे, तब भी मैं वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और 2 दिन पहले जब ये मेरे ब्लूम हुए तो फिर मैंने सोचा इतनी तेज़ धूप है यहाँ पर, पॉसिबल भी नहीं होता है दिन में तो टेरेस पर आना, और फिर ये पता नहीं कितने दिन तक चलेंगे क्योंकि धूप के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। लगभग मेरे जो भी फ्लावर्स मॉर्निंग में ब्लूम होते हैं वो इवनिंग तक नहीं रहते हैं, और या फिर मुरझा जाते हैं, तो वीडियो भी बहुत जल्दी से ही बनाना होता है ब्लूमिंग के 1 या 2 दिन में ही। तो ये देखिए एम्ब्रेस लिली का कितना अच्छा रिजल्ट आया है, और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने रिपोर्टिंग के टाइम में इसी की जो हमारी सॉइल थी उसको लिया था, और जो भी मेरा किचन का जो गार्बेज होता है जिसमें कि वेजिटेबल फ्रूट्स और लहसुन प्याज के जो भी छिलके होते हैं हम उसका कंपोस्ट बनाते हैं, उसी को मतलब एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, और पूरा मतलब बनता भी नहीं है लेकिन हम लोग नीचे उसी को डाल देते हैं, और इससे क्या थोड़ी सॉइल कम लगती है। और अलग से खाद पानी तो हमने इसमें भी कुछ दिया ही नहीं है क्योंकि 10 ही दिन हुए हैं। और वो जो वीडियो है वो अब आपको मैं दिखाऊंगी जरूर, इसमें डालूंगी तब आप खुद देखिएगा, इसमें कोई बर्ड नहीं थी, सिर्फ ये लीफ जो बड़े बड़े हैं इसके पत्ते ऐसे ही थे जैसे ये दिख रहे हैं इस टाइप के थे। और रिपोर्टिंग के 7 डेज के बाद ही इसमें बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो गए थे, तो बहुत खुशी हुई। और देखिए कितने सारे बर्ड्स एक साथ हैं, और मुझे लग रहा है कल में ये सारे खिल जाएंगे तो ये गुलदस्ते की तरह लगेगा। मैं आपसे दोबारा भी शेयर करूंगी क्योंकि इतना सुंदर फ्लावर है तो आप इसे ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और एम्ब्रेस लिली तो बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी कलर में आता है, और मेरे पास भी अभी ये देखिए ये भी है, और पता नहीं ये किस कलर का होगा,
एक ये भी एमरस लिली पर बर्ड आई हुई है, देखिए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार मेरे एमरस लिली पे इतनी जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए इधर ये भी है एक, ये सभी लगभग प्लांट जो भी रिपोर्ट किए हैं सभी में लगभग बर्ड्स आ गई है ये देखिए, और तीन तीन चार चार बर्ड ये आई हुई हैं इधर, और एक ये देखिए, और मतलब जितने भी रिपोर्ट किए थे हमने उन सभी में लगभग बर्ड्स आ गई हैं ये देखिए, और इधर ये है। और इसमें से कम अभी 20-30 बल्ब हमने छोड़ दिए क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था और सॉइल भी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि इसको तो हमने इन्हीं की सॉइल में लगाया था और बाकी मेरे किचन का जो भी था वेस्टेज उसमें लगाया था। तो वो जितने भी बल्ब हैं वो अभी सारे ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन अब जब इन पर फ्लावरिंग हो गई है तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि प्लीज़ आप उन बल्ब को ज़रूर लगा दें, चाहे कहीं भी थोड़ी सी ही सॉइल में लगाएँ लेकिन लगाएँ ज़रूर, तो क्योंकि बहुत सुंदर इनके फ्लावर लग रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ एमरस लिली में ब्लूम हुई थी, फ्लावरिंग अच्छी हुई थी बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, और इस बार तो बहुत जल्दी ही इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत खुशी हो रही है। तो बल्ब से एक फ़ायदा ये भी रहता है कि ये बहुत सालों तक चलते हैं और आपको ऐसा ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने तो इतना ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ मेरे तो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वही है इसमें फ़िलहाल, और उसके अलावा जो मेरे किचन का वेस्टेज जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वो। बाकी हाँ ये है कि महीने में 20 दिन में आप इसमें DAP या वर्मी कंपोस्ट वगैरह देते रहें तो अच्छा है, लेकिन हमारा भी देने का टाइम ही नहीं आया क्योंकि 10 दिन में ही ये बर्ड्स भी आ गए और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, तो आगे हम देंगे ज़रूर। तो आप भी अपने प्लांट्स को चेक करते रहें और देते रहें, जैसे कि गर्मी भी है और वाटरिंग भी अच्छी अब करनी होगी तो थोड़ी सी केयर तो करनी ही पड़ती है। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मैं सिर्फ अपने एमरस लिली के लिए ही टेरेस पर आई थी शेयर करने के लिए। तो अभी कल ये वाला जो मेरा एमरस लिली है ये पता नहीं अभी शायद पर 2 दिन में ब्लूम होगा, 1-2 दिन में, और इस पे देखिए कितनी सारी बर्ड्स आए हुए हैं कि देखिए, तो बहुत खुशी होती है क्योंकि एक ही बार हमने इनको सिर्फ ऑनलाइन बल्ब मंगाए थे और उसके बाद से ये लगभग सिर्फ ऐसे ही हर साल इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। और जो भी आपके बल्ब लगे हुए हैं आप उनको रिपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि एक ही बल्ब से बहुत सारे बल्ब जब बन जाते हैं तो रूट बाउंड हो जाती हैं और फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती, ये हमें इस बार ज़्यादा अच्छे से पता चला क्योंकि देखिए जैसे ही हमने इसको रिपोर्ट किया और उसके जो बाकी जो बल्ब थे उन सबको निकाल दिया, इसमें सिर्फ हमने 5 या 4-5 बल्ब ही लगाए हैं, तो ये देखिए कितने अच्छे और कितनी जल्दी फ्लावरिंग हो गई है, तो कुछ करने के बाद ही हमें पता चलता है। तो इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा बल्ब ना रखें क्योंकि उसे रूट बाउंड हो जाता है। और मुझे बहुत खुशी है आज अपने एमरस लिली की जो भी फ्लावरिंग हुई है, और मुझे लगता है ये शायद मेरा रेड कलर का एमरस लिली है, तो अभी कल परसों जब भी ये ब्लूम होगा मैं इसको भी ज़रूर शेयर करूँगी। और एक इधर भी है, इसका भी नहीं पता ये कौन सा कलर है, और वैसे इधर भी है ये देखिए, इसमें भी बर्ड आई हुई है ये देखिए लगभग, अब इस ये देखिए इस तरह से मेरे हस्बैंड ने इसको रिपोर्ट किया था, आप ये देखिए इतने छोटे थे ये देखिए, आप इसको देख के खुद लगा लीजिए और आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये देखिए एक भी इसमें एक ही लीव्स आई हुई है, और ये देखिए नीचे से ही बर्ड्स स्टार्ट हो गई है ये देखिए इधर भी देखिए। अब आप खुद ही कहेंगे तो कि मैंने 10 दिन बोला तो शायद मैंने गलत नहीं बोला, जबकि ये देखिए आप इसमें सिर्फ ये इसी तरह लगाया था मेरे हस्बैंड ने, जो ये पत्ती आपको दिख रहे हैं इसी तरह से लगाया था और कुछ भी नहीं था, और ये भी मैंने आज देखा कि इस वाले पॉट में भी बर्ड्स आ गई हैं ये देखिए। अब खुद ही देखिए कितने छोटे से में नीचे से ही फ्लावर जब खिलेगा तो किसको हैरान नहीं करेगा, आप खुद बताइए, क्योंकि ये वाला तो थोड़ा चलो बड़ा भी था, इसके तो ये देखिए पत्ते थोड़े बड़े बड़े भी थे, तो इनमें निकली तो भी ज़्यादा हैरानी की बात नहीं थी, ये देखिए इनमें भी निकली तो ज़्यादा हैरान नहीं होंगे क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े भी थे, है ना, ये देखिए इसमें भी थोड़े इतने ही बड़े थे और बर्ड कोई नहीं थी, लेकिन बर्ड सब बाद में ही निकले हैं और उसमें भी लगभग इतने बड़े थे, लेकिन इसको देख के आप खुद देखिए
लगभग सारे ही पत्ते भी अभी इसके कितने छोटे हैं ये देखिए, और नीचे से ही बर्ड्स निकलने शुरू हो गए हैं और ये दो दिन में खिल जाएंगे, दो या तीन दिन में, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मेरे एमरस लीली के स्ट्रिप एमरस लीली के सारे जो बर्ड्स हैं वो ब्लूम हो जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, सारे तो नहीं हुए हैं, फिर भी अभी दो इसमें बाकी हैं और बाकी तो सारे ब्लूम हो चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा होती है तो पता नहीं ये कब तक चलेंगे, तो इसीलिए आज इस पर जो है चार बर्ड्स न्यू ब्लूम हुए हैं और दो ऑलरेडी थे, तो छः ये खिल चुके हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये एक गुलदस्ते की तरह। तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था मैं शेयर करूँगी, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ और इसको मैं ऐड कर दूँगी उसी वीडियो में, और इसकी रिपोर्टिंग, एमरस लिली की रिपोर्टिंग, उसकी ग्रो केयर सब के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से हमने इसको रिपोर्ट किया और इसकी रिपोर्टिंग के समय क्या इसने कंपोस्ट, कौन सा सॉइल, क्या क्या यूज़ किया है, वो सब मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मुझसे ज़रूर शेयर करें, बताएं कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बाकी जो मेरे एमरस लिली के जो बर्ड्स हैं नेक्स्ट प्लांट के, वो अभी ब्लूम के लिए रेडी हैं, तो जब ये सभी ब्लूम हो जाएंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए ये लगभग सभी रेडी हैं ब्लूम के लिए, देखिए। और इधर भी ये जो छोटा सा प्लांट है ये भी रेडी है, ये देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं जो जल्दी ही ब्लूम होने वाले हैं, तो इसको भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़िलहाल आपके लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे एमरस लिली पे बहुत जल्दी ही ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें इस बात के लिए कि किस तरह से इसकी ग्रो केयर की। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।